आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर जैस संगठन ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। पानसिबल तहसील कार्यालय में जैस संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जैसा संगठन के पदाधिकारी नीलेश चौहान ने बताया कि पानसिबल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। अपना उपचार कराने आए मरीजों को अक्सर परेशान होना पड़ता है। ज्ञापन में उल्लेख है कि मरीजों को चिट्ठी बनाकर प्राइवेट मेडिकल से दवाइयां लाने को कहा जाता है। संगठन द्वारा मांग की गई कि आवश्यक कदम उठाकर व्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार किया जाए। पानसिबल से सतीश केवट की रिपोर्ट। जयेश जिला प्रभारी, आज हमने ज्ञापन पानसिबल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार प्रतिदिन चलते आ रही लापरवाही और अनियमितता के कारण ज्ञापन दिया। जैसे कि हॉस्पिटल में कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो तत्काल उसे वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। वहाँ पर कोई स्थायी उपचार नहीं मिल पाता है और उनको सीधे रेफर किया जाता है। जैसे उसके पश्चात वहाँ पर जो भी महिलाएं डिलीवरी होती है उनकी उनके पश्चात वहाँ पर उनको वहाँ पर ना ही कूलर है ना ही पंखे वहाँ अधिकतर चालू रहते हैं। बच्चे और माँ दोनों वहाँ पर गर्मी में रहते हैं। परिजनों द्वारा वहाँ पर डॉक्टर बीएमओ अमृत ममन के से बार बार पूछताछ की, लेकिन अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस लापरवाही के चलते हमने आज कलेक्टर महोदय के नाम पर तहसीलदार साहब द्वारा ज्ञापन दिया के नाम पर। हमारी मांग है कि ये जो वर्तमान अभी जो बीएमओ है उनकी जगह पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बीएमओ के पदस्थापना पर स्थापित किया जाए, अन्यथा हम लोग बड़ी संख्या में विशाल आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी जिला चिकित्सक अधिकारी एवं प्रशासन की रहेगी।